सभी को नमस्कार। किशनगढ़ मेरी राजनीतिक कर्म भूमि रही है। तो ग्रामीण परिपक्ष से आए हुए लोगों का मैं अभिवादन करता हूं। इन्होंने मुझको सींचा है, मेरा सृजन किया है और मेरी इस लंबी यात्रा में बड़ी भागीदारी निभाई है। प्रोफेसर आनंद भालेराव, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू टर्न्ड अराउंड दिस यूनिवर्सिटी, द ओनली यूनिवर्सिटी इन राजस्थान टू हैव A++ कैटेगराइजेशन। With your committed faculty, you have earned a name in several fields, and the accolades that have come are well earned, well deserved. The Vice Chancellor brings on the table huge experience, deep commitment, and education is passion and mission both combined. I have no doubt the infrastructure which I have seen while coming to this place, the profile of the faculty, the dynamism of the Vice Chancellor and composition of the student community. The day is not far when Central University of Rajasthan will get the tag of Institute of Excellence. We are in interesting times where we have no limitations. Thal, Jal, Vayu, Antriksh, भारत की गूंज दुनिया को सुनाई दे रही है। हमारी प्रगति हर क्षेत्र में है। विक्रांत पुराना था पर जल में हमारा नया विक्रांत है। थल की भी हालत है, आकाश की भी है और अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 की है। इन दीज चैलेंजिंग टाइम्स it is our duty to the nation to see that this institution rises incrementally and the rise should be unstoppable like our economic upsurge, our economic rise, our exponential phenomenal development jiska sapna bhi humne nahi liya tha kyunki मैंने देखा है आज से 35 साल पहले लोकसभा का सदस्य था, केंद्र में मंत्री था, तब क्या हालात थे। एक लंबी राजनीतिक पार्टी का शासन के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लंदन शहर और पेरिस शहर से छोटी थी, अंदाजा लगा सकते हो। और हमारी छलांग गत दशक में कितनी लगी कि हमने फ्रांस और यूके को पीछे छोड़ दिया। लंदन और पेरिस की बात ही कर, इंडिया टुडे बॉयज एंड गर्ल्स इज द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी on way to becoming the 3rd largest in 2 years or little more. तो दूसरा दृश्य उस समय मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, भयभीत होकर देखा। केंद्रीय मंत्री की हैसियत से जब श्रीनगर गया
सन्नाटा था, सड़क पर लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे लगता है कि प्रजातंत्र पर काली छाया है। और आज गत वर्ष 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जम्मू कश्मीर गए हैं। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा बदलाव, हमें तो कोई दिखाई नहीं दिया था। आज आंखों से देखा, दुखी मन से सहन किया। सोने की चिड़िया भारत का सोना हवाई जहाज से हम शासन में थे तब, 35 साल पहले की बात है, 34 साल पहले की बात है। क्या हुआ? हवाई जहाज से स्विट्जरलैंड के बैंक में गिरवी रखा गया ताकि हम हमारी आर्थिक क्रेडिबिलिटी को बचा लें। 1 बिलियन US डॉलर के आसपास हमारा फॉरेन एक्सचेंज था, आज 670 के आसपास है। कहां से कहां आ गए? जब ऐसा होता है तो फिर हर किसी का कर्तव्य बढ़ जाता है, क्योंकि भारत की पहचान आज दुनिया में एक ऐसे देश की है जो किसी देश का मोहताज नहीं है। भारत के नेतृत्व की गूंज, नेतृत्व का प्रभाव, नेतृत्व का असर दुनिया में निर्णायक साबित हो रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और इसीलिए आई ग्रेटली अप्रिशिएट योर मिशन। और आपका मिशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू एक्सेलेंस इन एजुकेशन, इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेटिव सोसाइटल चेंज, रोल ऑफ हायर एजुकेशन इन विकसित भारत 2047। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ मैराथन मार्च गोइंग ऑन इन द कंट्री। दैट मैराथन मार्च इज फॉर डेवलप्ड भारत एट 2047। यू विल बी इन ड्राइवर सीट। पीपल ऑफ माई जनरेशन मे नॉट बी अराउंड। यू आर द मेन स्टेक होल्डर्स, यू आर द वॉरियर्स। ये जो मैराथन मार्च है इसमें आपकी भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये जो हवन हो रहा है पूरे देश में विकसित भारत के लिए, इस हवन में हर भारतीय को आहुति देनी है, हर भारतीय की भागीदारी है, तभी भारत देख पाएंगे जो हजारों साल पहले था। आपका मिशन देखिए, टू क्रिएट एंड सस्टेन एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट। सबको पता है कि धरती के अलावा हमारे पास रहने की कोई दूसरी जगह है ही नहीं। वी हैव टू मेंटेन इट, रेस्टोर इट। क्लाइमेट चेंज को कंटेन करना है। आज मैंने प्रवेश करते ही एक पेड़ लगाया। प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, मां के नाम एक पेड़। जब मां के नाम आप पेड़ लगाते हो तो कईयों का नाम सामने आता है। मैंने मां के नाम पेड़ लगाया, साथ में डॉक्टर सुदेश धनखड़ की सास के नाम भी पेड़ लग गया। आई अपील टू एवरी स्टूडेंट, योर कंपस हैज ग्रेट ज्योग्राफिकल डायमेंशन। हरेक को एक पेड़ लगाना चाहिए, उसका सर्जन करना चाहिए, और पेड़ लगाते समय अपनी मां का नाम याद रखिए। आई विल रिक्वेस्ट द वाइस चांसलर, इफ रिक्वायर्ड आई विल गेट द असिस्टेंस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सो दैट दे डू आई स्टडी एंड एंश्योर कि यहां कौन से पेड़ लग सकते हैं।
ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक अंदाजा हो। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा भारत के संविधान को, पर भारत के संविधान के अंदर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो किताब में छपता नहीं है, और वो है 22 चित्र। और जो सबसे पहला चित्र है सिटीजनशिप का, नागरिकता का, उसके ऊपर आपको आश्चर्य होगा। दैट इज सो अमेजिंग एंड दैट रिफ्लेक्ट्स गुरुकुल। उस चित्र में गुरुकुल दिखाया हुआ है, ये आज का गुरुकुल है। एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिक एजुकेशन सिस्टम शुरुआत की गई है। यहां चरित्र का निर्माण होता है। हमारी नई शिक्षा नीति जो 3 दशक के बाद आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यहां से मैं पुरजोर आग्रह करूंगा उन प्रांतों को जिन्होंने अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं किया है। ये शिक्षा नीति किसी राजनीतिक दल और सरकार की नहीं है, ये राष्ट्र की शिक्षा नीति है जो हमें एक बहुत ही गेम चेंजर के रूप में मिली है। आई एम पर्सनली अवेयर, आई वॉज गवर्नर स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, इवोल्यूशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज टेकन प्लेस आफ्टर गेटिंग इनपुट्स फ्रॉम स्टेक होल्डर्स रनिंग इन टू थाउजेंड्स। इट इज डिस्टेंसिंग फ्रॉम डिग्री एजुकेशन, इट इज मेकिंग एजुकेशन रेलिवेंट बॉयज एंड गर्ल्स टू योर एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। इतना बड़ा चेंज आया है। मेरे को एक होमवर्क के रूप में आपके वाइस चांसलर ने, क्योंकि जीवन भर हम विद्यार्थी रहते हैं, हम विश्वविद्यालय से बाहर जाते हैं, आवर लर्निंग डजंट स्टॉप, आवर लर्निंग कंटिन्यूज ऑल आवर लाइफ्स। यू मस्ट हैव हर्ड बॉयज एंड गर्ल्स, एक ग्रीक फिलोसोफर हुआ करते थे सोक्रेटिस से पहले, हेराक्लिटस, व्हाट इज सेड इज द ओनली कॉन्स्टेंट इन लाइफ इज चेंज। ही सेड अ सेम पर्सन कैन नेवर एंटर द सेम रिवर ट्वाइस बिकॉज नाइदर द रिवर इज द सेम नॉर द पर्सन इज द सेम। तो चेंज हो रहा है, वी हैव टू अडेप्ट टू दिस चेंज। इट इज गुरुकुल विच चेंजेस रिक्वायर्ड बाई आवर टाइम्स टू फेस द चैलेंजेस दैट आर एमर्जिंग ऑल अराउंड। पर आपने मुझे क्या दी? गीता और गणेश जी की प्रतिमा। गणेश चतुर्थी गई है, गीता आपको अच्छा लगेगा। हमारे भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, Part 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र में उपदेश दे रहे हैं, वो चित्र है। इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान है एकाग्रता से, बिना भटके हुए, बिना रिश्तों को देखे हुए लक्ष्य प्राप्ति करो। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा राष्ट्रवाद, हमारा लक्ष्य है हमारा भारत। हमारे भारत को कोई सुई भी लगाएगा 140 करोड़ को दर्द होगा। वी हैव टू ऑलवेज कीप द नेशन अबाउ सेल्फ इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पर किसी भी हालत में हम दुश्मन के इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर सकते। दुखद विषय है, चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है कि अपने में से कुछ भटके हुए लोग संविधान की शपथ के बावजूद
भारत माँ को पीड़ा दे रहे हैं, राष्ट्रवाद के साथ समझौता कर रहे हैं, राष्ट्र की परिकल्पना को समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कौन से स्वार्थ को ऊपर रखकर भारत माँ को लहूलुहान करना चाहते हैं। मेरा उनसे आग्रह रहेगा, हर भारतीय देश के बाहर कदम रखता है तो हमारे राष्ट्रवाद का राजदूत है, हमारी संस्कृति का राजदूत है और इसको प्रमाणित किया है अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री दूसरे दल के थे, कांग्रेस पार्टी के थे, नरसिम्हा राव जी थे। भारत का नेतृत्व विदेश में एक महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे पर कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, वो प्रतिपक्ष के नेता थे। क्या हम कल्पना भी कर सकते हैं कि देश के अंदर या बाहर हम ऐसा काम करेंगे जो हमारे देश के साथ उपयुक्त आचरण नहीं है, हमारे राष्ट्रवाद को बढ़ावा नहीं देता है, हमारे राष्ट्रवाद को कुंठित करता है? अरे हमारे सपने पूरे करो, दुश्मनों के सपने पूरे करने में क्यों लगे हुए हो? इतिहास ने उनको कभी माफ नहीं किया है जिन्होंने देश के साथ ऐसा आचरण किया है। नवयुवक और नवयुवतियों से मैं आग्रह करता हूं, भारत बिलोंग्स टू यू, यू आर द मोस्ट वाइटल स्टेक होल्डर्स इन गवर्नेंस। 10 साल में आपको ऐसा गवर्नेंस मिला है जो ट्रांसपेरेंट है, अकाउंटेबल है। आपको ऐसा गवर्नेंस मिला है जहां कानून के सामने सब समान है, प्रिविलेज पेडिग्री हैज वनिश्ड। कोई आज के दिन ये नहीं कह सकता कि मैं कानून से ऊपर हूं। उनमें छटपटाहट है, उनमें परेशानी है, राजनीति इस तरीके से हावी हो गई उन पर कि राष्ट्र को भूल गए, राष्ट्र हित को भूल गए। और भूलना तो छोड़िए, राष्ट्र हित पर कुठाराघात करने लगे, विदेश में करने लगे, उन लोगों से मिलकर करने लगे। जब जाहिर है उनकी करतूतियां, उनके साथ बैठना, उनके साथ चिंतन करना, हमारे दिल पर क्या गुजरी होगी मैं अंदाजा लगा सकता हूं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। मेरे पद पर मेरा काम राजनीति करना नहीं है, राजनीतिक दल अपना अपना काम करें। पॉलिटिकल पार्टीज आर एंटाइटल्ड टू वर्क दे विश टू डू। आइडियोलॉजीज अलग अलग होंगी, विचारधारा अलग अलग होगी, शासन के प्रति रवैया अलग अलग होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात में समानता होगी, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र भावना को कुंठित नहीं कर सकते, राष्ट्र के मनोबल को कमजोर नहीं कर सकते। राष्ट्र को चुनौती आएगी, हम सब एक हैं, हमारा कुछ भी रंग हो, कुछ भी धर्म हो, कुछ भी जाति हो, कुछ भी संस्कृति हो, कुछ भी शिक्षा हो, वी आर यूनाइटेड एंड वी आर वन। और इसी को देखकर सबसे पहले जहां डिफाइन किया गया है यूनियन को, वहां जो चित्र है वो जेबू बुल का है, मतलब सब मिलकर ताकत उस जेबू बुल में आ गई जिसको हम भारत कहते हैं। ये हमारे संविधान के अंदर चित्र है, संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हायर एजुकेशन का रोल ये है, एजुकेशन इज बियॉन्ड बुक्स, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेटिव मैकेनिज्म
टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन सोसाइटी। एजुकेशन है जो समानता लाता है, एजुकेशन है जो असमानता पर प्रहार करता है, एजुकेशन ही है जो आज के सामाजिक परिदृश्य को बदल रहा है। चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे उपराष्ट्रपति हों, जड़मी देखेंगे तो कोई प्रिविलेज पे डिग्री नहीं मिलेगी आपको। उनका उत्थान समाज के उस वर्ग से हुआ है जिन्होंने कभी कल्पना नहीं की कि हम यहां पहुंचेंगे। शिक्षा, और शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री नहीं है, शिक्षा के अंदर बहुत सी बातें निहित हैं। वी कैन नॉट इमेजिन विकसित भारत, डेवलप्ड भारत 2047 विदाउट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। आप सब भाग्यशाली हैं, यू आर गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, एवरी डे शुड बी अ डे ऑफ लर्निंग, एवरी डे यू मस्ट एड समथिंग बियॉन्ड योर फॉर्मल एजुकेशन। यू मस्ट जनरेट इंटरकनेक्टिविटी। यदि अगर मैं आपको बताऊं, हम अधिकारों की बात तुरंत कर लेते हैं, मानव अधिकार हैं, बेसिक राइट हैं, मेरा ये अधिकार है। वी शुड फोकस ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान में हमारे कुछ कर्तव्य हैं और जो कर्तव्य संविधान में निर्धारित किए गए हैं, उन कर्तव्यों को अगर आप ध्यान से देखोगे, सबसे पहला है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अरे पीड़ा का विषय बन गया है, दुनिया के लोग हम पर हंस रहे हैं कि संवैधानिक पद पर एक व्यक्ति बैठा है विदेश के अंदर, ऐसा आचरण कर रहा है कि अपने संविधान की शपथ को भूल गया, देश हित को नजरअंदाज कर दिया, हमारी संस्थाओं की गरिमा पर कुठाराघात कर दिया। दूसरी ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स ऑफ आवर नेशनल स्ट्रगल एंड फ्रीडम। कितनी बहनों ने अपना भाई खोया है, कितनी माताओं ने अपना बेटा खोया है, तब जाकर ये आजादी मिली है। आज भी हम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि सीमा पर वो अपनी जान देने को तैयार हैं हमारे लिए। अरे उनके खून की परवाह नहीं कर रहे जो भारत को ध्वस्त करना चाहते हैं। डिविजिव फोर्सेज एक्सप्लोजिवली इन एक्शन इंस्पायर्ड बाय फॉरेन पावर्स, एनिमीज ऑफ द नेशन। उनके साथ हैंड होल्डिंग, उनके साथ विचार विमर्श, उनके साथ साझा बात करना भारतीय को शोभा नहीं देता। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, हम भारत माँ के सपुत्र हैं। हर स्थिति में इनका मान रखेंगे, सम्मान रखेंगे। और हम में से जो भटकेगा, कुछ भटके हुए हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे, उनको समझाएंगे कि आप गलत कर रहे हो। आई पीटी देम फॉर देयर डिस्पाइकेबल, कंडेमनेबल, रेप्रिहेंसिबल एंटी नेशनल कॉन्डक्ट एंड दैट टू आउटसाइड द नेशन। आई प्रे ऑल माइटी टू बेस्टो विजडम ऑन देम दैट दे लुक एट देयर ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लुक एट द फंडामेंटल ड्यूटी दे हैव टू सर्व, एंड आई हैव नो डाउट उनमें बदलाव आएगा। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, पर उनमें उम्मीद तब रखेंगे जब उनके आचरण पर हम चुप नहीं रहेंगे। आपकी चुप्पी
इस प्रकार के घृणित राष्ट्र विरोधी कार्य पर सदैव आपके कानों में गूंजेगी। आप याद करोगे कि मेरे को बोलने का एक मौका था, भावना प्रकट करने का मौका था, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। बॉयज एंड गर्ल्स, स्पीक आउट योर माइंड। आई डोंट हैव टू गाइड यू, यू आर डिसर्निंग माइंड्स। योर स्टेक इज मच मोर देन माइंड। एवरी डे यू हैव टू कल्टीवेट योर सेल्फ। एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहा है, पर हमारे नवयुवकों को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। वो सरकारी नौकरी के चक्कर में है, दे आर इन अ साइलो। उसके लिए प्रयत्न करते हैं, भरसक प्रयत्न करते हैं, उनकी प्रतिभा है। पर मैं आपको आग्रह करूंगा, थोड़ी नजर फैलाइए और आपको आश्चर्य होगा कि इतने अवसर हैं, अकल्पनीय अवसर हैं। द बास्केट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इज गेटिंग बिगर एंड बिगर। वेल इट, आई वेंट टू इसरो। इसरो में एक भी आईआईटी नहीं है, इसरो में एक भी आईआईएम का नहीं है, अंदाजा लगाइए। और इसरो कहां से कहां जा रहा है, हम जैसे। और ये इसरो की बात ही नहीं है, अनेक फील्ड हैं। ओशनोग्राफी एक ऐसी है, अंतरिक्ष का एक ऐसा है। अवेयर दीज अपॉर्चुनिटीज। आई एम श्योर यू लव इनफ टू कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द नेशन। वाइस चांसलर साहब, मेरा आग्रह रहेगा कि बैचेस में आपके सभी विद्यार्थी मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और भारत के पार्लियामेंट को देखें। भारत मंडपम को देखें, प्रधानमंत्री संग्रहालय देखें। माई टीम विल बी इन कनेक्ट विद द ऑफिस ऑफ द वाइस चांसलर। आपके यहां से कनेक्टिविटी भी ठीक है, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। इफ आई विल बी इन डेली, आई विल इंटरेक्ट विद यू, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ये शुरुआत यहां नहीं है, ये एक ऑन गोइंग प्रोग्राम है और लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। दूर से है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी, जाकर देखोगे, QR कोड को देखोगे, पता लगेगा कि ये द्वार क्यों है। भारत की 5000 की संस्कृति की झलक आपको वहां मिलेगी। अकल्पनीय, सोच नहीं सकते। भारत मंडपम दुनिया के 10 बड़े मंडपों में एक है, पता नहीं कब आ गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री, आपको हर चीज साफ दिखाई देगी। दूसरी बात, यहां आकर आई एम सरचार्ज, मोटिवेटेड, इंस्पायर्ड। आई विल ब्रिंग अबाउट एन MOU बिटवीन योर यूनिवर्सिटी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, फॉर विच आई एम चेयरिंग। दिस MOU विल बी फ्रक्टिफाइड इन नेक्स्ट 3 months। इससे क्या है कि दुनिया में भी आपका कनेक्शन बढ़ेगा। ये भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसका अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। माय लास्ट अपील टू द बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर लक्की, यू आर फॉर्चुनेट टू गेटिंग क्वालिटी एजुकेशन, बट डोंट फियर फियर। डर मत रखिए, डर का डर आपकी प्रतिभा को कुंठित कर देगा। और कुछ किसी चीज का भी डर लगे, कम से कम असफलता का डर कभी नहीं लगना चाहिए। असफलता इस लंबी जर्नी में स्वाभाविक है। असफलता सफलता की कुंजी बनती है, सफलता की पीढ़ी बनती है, सीढ़ी बनती है। ताजा उदाहरण ले लीजिए,
चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे चंद्रयान 2 की छोटी असफलता बड़ी सफलता है। चंद्रयान 2 पूरा असफल नहीं था, चांद तक तो पहुंच ही गया था, 2-4 मीटर की कमी रही थी, वो चंद्रयान 3 ने पूरी कर दी। इफ चंद्रयान 2 हैड नॉट बीन देयर विद इट्स सक्सेस एंड माइल्ड सेटबैक, वी वुड नॉट हैव टेस्टेड द सक्सेस ऑफ चंद्रयान 3। और क्या उपलब्धि है, August 23 स्पेस डे है, हमने चांद के ऊपर तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट दिया है। इन हालात में मैं यही कहूंगा, डर को निकाल दीजिए, डोंट हेजिटेट टू ट्राई, ट्राई इनोवेटर, आपका मिशन भी है, आपका मिशन बहुत निश्चित है, टू डेवलप एन इकोसिस्टम फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन वेर इंडिविजुअल पोटेंशियल कैन बी हार्नेस्ड टू प्रोवाइड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल कंसर्न्स। यहां से बाहर जाएंगे तो भी सिस्टम आपको बहुत सपोर्ट करेगा, अफर्मेटिव गवर्नेंस हैज मेड अवेलेबल मैकेनिज्म्स वेर यू कैन फुली एक्सप्लोइट योर पोटेंशियल, रियलाइज योर एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स। मुझे मेरी कर्म भूमि में आने का मौका मिला, आप साधुवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।